नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। और विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन, पहले दिन वॉकआउट हुआ, दूसरे दिन यहां पर चर्चा चल रही है। डी नोटिफिकेशन जो यहां पर की गई है, इस प्रस्ताव को एक तरह से एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद चर्चा हुई। हमारे साथ यहां पर डॉक्टर हंसराज जी मौजूद है। आमरण अनशन की आपने बात की, अपना वक्तव्य दिया, काफी स्ट्रांगली आपने पॉइंट्स रखे डी नोटिफिकेशन को लेकर। आमरण अनशन की बात क्यों हुई, आखिर किस मुद्दे पर? ऐसा है, हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। इस आजाद हिंदुस्तान में लगभग कम से कम हिमाचल में तो 55 से 60 साल जो है वो कांग्रेस ने शासन किया है। तो ये जो फाइनेंशियल रोना रोते हैं, जो रो भी रहे हैं, तो ये अपने गिरेबान में जहाँ के देखें, ये जो व्यवस्था आज की डेट में है या कुव्यवस्था, वो इनकी ही देन है। जो ज्यादा सत्ता करेगा, अब पिछले 3 टर्म से मैं विधायक हूँ, तो चुनाव में हो रहा है नहीं हो रहा है उसका दोष मेरे को ही आना चाहिए, चाहे मैं सत्ता में हूँ चाहे नहीं हूँ, वो मेरा काम है। तो ये लीडर को कम से कम ये चीज माननी चाहिए। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। वो जो अनिल कपूर की नायक फिल्म है उसकी तरह बोल्ड डिसीजन लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ड्रामा उस तरह से नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कथनी करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। एक तरफ आपने रोना रो दिया जी आर्थिक संकट है, बदहाली है, ये है वो है, दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली बार हुआ हिमाचल में, साथ साथ CPS, जबकि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, मना है, इसमें मना ही है, निकल जाएंगे बाहर, लेकिन आपको हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये जाएंगे बाहर, लेकिन आपने साथ साथ CPS बना दिए, 4-4 चेयरमैन बना दिए, अपने ही विधायकों को ताक पे रखा। आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, संगठन में काम करना और सरकार में काम करना बहुत अलग अंतर है। आप अच्छे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर उस लिहाज से संगठन में हो सकते हैं, संगठन की व्यवस्था कैसे हो उस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं, जो हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। डी नोटिफिकेशन करना बिना किसी रिव्यू के और बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के करना, ये सबसे बड़ा जो है वो हिमाचल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में या सरकार के इतिहास में पहली बार हुआ है। कैबिनेट को हाथ में लिए बिना, मतलब उनको अपने उसमें लिए मत में लिए बगैर, आप आनन फानन में रातों रात, लोग तो ये कह रहे हैं कि रात को 4 या 12 बजे बैठते हैं और सुबह जो है वो डिसीजन ले लेते हैं, तो ये हिमाचल के परिदृश्य में अच्छा नहीं है। हिमाचल बहुत जबरदस्त स्टेट रही है और यहाँ पर ठीक है जो गलतियां हुई हैं पूर्व की सरकारों से या जिसने भी करी हैं, पर एकदम से आप व्यवस्था को जो है वो ठीक नहीं कर सकते। अब शरीर में कोई पार्ट जो है वो खराब हो जाए तो शरीर को थोड़ी ना काट देते हैं। ये जो अभी बोर्ड जो हमारा धर्म हमीरपुर का HPSC, हाँ, उसको बंद कर दिया यार, आप उसमें जो लोग दोषी थे उनको सजा दो, दो जो देनी है दे दो, लेकिन अब भर्तियां रुक गई हमारी, टीचर्स नहीं भर्ती हो रहे हैं, 4th क्लास 3rd क्लास ये जो भी भर्तियां होनी थी वो सारी प्रभावित हो गई पिछले 6 महीने से। जैसे यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है अभी भी, तो इसीलिए इस व्यवस्था को देखते हुए हमें लग रहा है लोग हमसे जवाब मांगते हैं। और दूसरा ऐसा है, जब ये अभी हैवी स्नोफॉल हुआ पीछे, जब चीजें हुई उसमें, अब हमारे डिवीजन डिनोटिफाई कर दिया, सब डिवीजन डिनोटिफाई कर दिया, बड़ी मुश्किल से कॉलेज खोला था वो डिनोटिफाई कर दिया, 2 PSC डिनोटिफाई कर दी, तो ये जो हमारी जो कुंठा है कि चंबा स्पेशनल जिला है, बैकवर्ड जिला है, हिंदुस्तान में 115 ही जिले आते हैं, उसमें हम लोग भी हैं, तो उसमें चुरहा सबसे देहात में आता है, पीछे आता है जम्मू कश्मीर और लाहौल स्पीति के साथ, हमारे को तो कवरिंग कोई कहीं से चीजें भी नहीं मिलती। तो डिवीजन जो है वो बड़ी मुश्किल से 3 कंस्टिट्यूएंसियों में एक ही खुला था, आपने वो भी बिना सोचे समझे बंद कर दिया, फिर आप कहते हैं सत्ता व्यवस्था परिवर्तन कुछ ऐसा, व्यवस्था परिवर्तन है ये, कैसी व्यवस्था परिवर्तन? तो ये अंदर दिल में द्वंद है। सीएम कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन दीजिए, सदन में आए हैं बात कर रहे हैं कि ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। ऑथेंटिक बोला हमने, अब डिवीजन जो है वो चंबा में चलता है बिजली बोर्ड का, मैं एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, वो मेरी कंस्टिट्यूएंसी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वही डिवीजन फीड करता है बरमोहर कंस्टिट्यूएंसी को जो कि 72 किलोमीटर दूर है। अब इससे बड़ी जस्टिफिकेशन क्या होगी, एक व्यक्ति जो है वो जो बरमोहर से चलेगा क्या सर्विस वायर के लिए 172 किलोमीटर जाएगा, या जो चुरहा तीसा से चलेगा, बैरागढ़ से चलेगा, वो क्या 100 किलोमीटर जाएगा वहां पर? आज 2-2 हफ्ते हो गए हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, मैंने अभी कहा, अभी SC का फोन आया था किसी का कि आपने अंदर हाउस में जिक्र किया है ये वो, मैं कहा बड़ा तुरंत रिएक्शन हुआ, ये तो लोग बच्चों के हमारे एग्जाम चले हुए हैं, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अगर डिवीजन वहां 3-4 महीने हमने डिवीजन चलाया, एक्सिन बिठाया था, SDOs बिठाए थे, JEs बिठाए हुए थे,
सारी चीजें जो है वो करवा दी गई थी, लेकिन आपने बिना सोचे समझे ही अन्य जिलों की तरह आप चंबा को भी तोल रहे हो, अपने हमीरपुर की तरह आप चंबा को भी समझ रहे हो, नदौन की तरह जो है वो चुराह को समझ रहे हो कि भाई जो व्यवस्थाएं वहां खड़ी हैं वैसे ही चुराह में है। मेरा तो दुख ही यही है, तभी हमने कहा है कि अगर नहीं करेंगे तो मैं खुद बैठूंगा अमरण अनशन पे। अब जनता ने जो है वो तीसरी बार भेजा है हमें, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। ये चौथा चुनाव था जिला परिषद मिला के, तो लगातार चार बार जिताना किसी इलाके से वो उनके लिए प्रति मेरी जवाबदेही है। मतलब आपको लग रहा है कि सीएम टाल मटोल कर रहे हैं जो जस्टिफिकेशन की बात है? ऐसा चीफ मिनिस्टर साहब को पता नहीं कौन कंफ्यूज कर रहा है, इनको अपने आप को देखना चाहिए, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जब ऑपोजिशन में हुआ करते थे हमने सुना है इनको, पूरे हिमाचल की बात करते थे ये, या तो कुर्सी का दोष है, जब चीफ मिनिस्टर बन जाए आदमी तो फिर भूल जाए पुराना। इनको रिकॉल करना चाहिए, इनको जामवंत की जरूरत है, हनुमान टाइप है ये, और इन ये जो 100 कोस जो का समुद्र है इसको लांग सकते हैं ये, पर ये ना पता नहीं कहाँ डंप हो गए। और कल अल्टो में आए ये और बोला उसके दो दो चलान हुए हैं, तो चीफ मिनिस्टर होकर के अब ये सोचना चाहिए कि आप अब आम सामान्य व्यक्ति नहीं रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, अब आपको बहुत बड़ा विजन चाहिए टुवर्ड्स द हिमाचल। वहां नदौन से निकलो, अब लोग कह रहे हैं कि शिव धाम से पैसा उठाया नदौन ले गए, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की बसें इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, उसका डिवीजन पहला नदौन में खोलेंगे, आप में और उन लोगों में फर्क क्या रहा? फिर कहते व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोहरी चीजें हैं, कथनी करने में अंतर व्यक्ति की नहीं होना चाहिए, फिर अगर ये अंतर आ गया तो ज्यादा दिन नहीं चलता आदमी, तो हिमाचल तो पहले भी माफ करता ही नहीं। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को जामवंत की जरूरत है और बड़े विद्वान वो व्यक्ति है, अगर थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे हंसराज जी, और इनका कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो जनता के लिए वो अमरण अनशन भी करेंगे और साथ ही में जो कुछ करना होगा वो करेंगे। सभी लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें देख रहे हैं। मैं मनोज ठाकुर लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी, इस लाइव स्ट्रीम प्रसाद यासी ने बड़े दिनेश अजय भाटे जी ने, धन्यवाद।